अक्सर बच्चों को नूडल्स तो खाना बहुत पसंद होता है पर वर्मीसिली वो खाना नहीं चाहते। अगर आपने एक बार इस तरह से वर्मीसिली को बना लिया तो मेरा दावा है बच्चे हर बार नूडल्स की जगह वर्मीसिली ही खाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल द परफेक्ट टेबल में। तो चलिए वर्मीसिली बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से मार्केट में मिलने वाली वर्मीसिली ली है, आपके यहाँ पर जो भी अवेलेबल है आप उसे ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिए कुछ वेजिटेबल, तो यहाँ लिया मैंने रेड कलर के कैप्सिकम, अनियन, कैरेट, ग्रीन कैप्सिकम और कैबेज। इन सभी को मैंने पतला और लंबा काट कर ले लिया है। अब इन्हें साइड में रखकर गैस के ऊपर एक पैन गरम करते हैं, उसमें डाल देंगे 2 बड़े कप पानी। अब हाई फ्लेम के ऊपर हम पानी को बॉईल होने देंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आएगी हम इसके अंदर डाल देंगे वर्मीसिली। तो यहाँ पर ये वर्मीसिली बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकती है तो मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप इसे सेम मेथड से नूडल्स या फिर और बारीक वाली वर्मीसिली बनाना चाहते हो तो थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल कर लीजिए। 1 टीस्पून ऑयल डालकर इसे बॉईल कर लीजिए। तो यहाँ देखिए लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर ये वर्मीसिली कुक हो जाती है। तो हम हाई फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। तो एक बार हम इसे इस तरह से हाथों से प्रेस कर देखेंगे, ये आसानी से टूट रही है, मतलब ये बहुत ही परफेक्टली बॉईल हो चुकी है। तो अब हम इसका पानी निकाल लेंगे और इसे ड्रेन आउट कर इस तरह से छलनी पर छोड़ देंगे। ये बिल्कुल भी आपस में चिपकती नहीं है तो इसे हमें ठंडे पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। फिर से एक पैन को गरम रखकर इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गरम होते ही इसमें जाएगा प्याज। सबसे पहले हम प्याज को डालेंगे। यहाँ पर मैंने सेजवान सॉस का इस्तेमाल किया है इसलिए गार्लिक का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप सॉस नहीं डालना चाहते हो तो यहाँ पर गार्लिक का इस्तेमाल भी कर सकते हो। साथ ही में हम इसमें कैरेट डाल देंगे। कैरेट कुक होने में टाइम लेती है इसलिए हम सबसे पहले अनियन और कैरेट को अच्छे से सौते कर लेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। जब भी हम इस तरह से कोई स्टर वेजिटेबल वाली सब्जियाँ बनाते हैं तो हाई फ्लेम पर ही बनानी चाहिए। ऐसा करने से सब्जियाँ कुक भी हो जाती है और उसके अंदर क्रंच बना रहता है, सब्जियाँ गलती नहीं है। तो चलिए अब इसके अंदर हम डाल देंगे रेड कलर की कैप्सिकम, साथ ही में ग्रीन कलर की कैप्सिकम। कैबेज को हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि उसे कुक होने में टाइम नहीं लगता। तो अब हम हाई फ्लेम के ऊपर सारी सब्जियों को अच्छे से स्टर कर लेंगे। बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये सब्जियां कुक हो जाएगी। तो यहाँ देखिए बहुत ही परफेक्टली कैप्सिकम भी कुक होने लगी है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे कैबेज। तो यहाँ पर कैबेज को मैंने लास्ट में डाला है। तो यहाँ पर जो भी वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल हो या ना हो तो उसे आप स्किप भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं वेजिटेबल से ही आप इस वर्मीसिली को बनाओ। तो यहाँ पर देखिए सब्जियाँ कुक हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो यहाँ पर मैंने नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, साथ ही में 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर भी डाला। साथ ही में हम डाल देंगे सेजवान सॉस। तो यहाँ पर मैंने सेजवान सॉस 4 टीस्पून डाला है। अगर आप सेजवान सॉस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो उसकी जगह पर आप पिज्ज़ा सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। सॉस और वेजिटेबल अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें डालेंगे वर्मीसिली। वर्मीसिली को हमने ऐसे ही रख दिया था तो यहाँ देखिए बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, बहुत ही परफेक्टली खिली खिली हमारी वर्मीसिली बनी है। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम थोड़ा सा लो टू मीडियम कर देंगे क्योंकि हमने इसके अंदर वर्मीसिली डाली है तो चिपकने के चांसेस होते हैं। अब हमें फ्लेम को हाई रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम ले लेते हैं एक और एक स्पून और दोनों को अच्छे से स्टर करते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि वर्मीसिली और वेजिटेबल अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। तो है ना बहुत ही यूनिक आइडिया वर्मीसिली बनाने का। तो चलिए वर्मीसिली तो बन चुकी है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो कैसे लगी आज की हमारी वेजिटेबल वर्मीसिली की रेसिपी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इस तरह से आप वर्मीसिली बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो या फिर दोपहर की छोटी मोटी भूख के लिए भी आप बच्चों के लिए हेल्दी वाला नाश्ता बना सकते हो। तो चलिए देर किस बात की है, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।